ओके। और बांग्लादेश बांग्लादेश प्रेसिडेंट कराओके कराओके शेख हसीना प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर वन नंबर हरामी प्राइम मिनिस्टर फैमिली कुल्लू। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान भट्ट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल DN मोड। आज जो जगह मैं विजिट करने वाला हूँ उसका नाम है पासर मालम। ये मलेशिया में लगने वाला सस्ता बाजार है जो पूरे मलेशिया में मुख्तलिफ जगहों पर हर रोज कहीं ना कहीं लगता रहता है। तो आज ये संडे है और संडे बाजार लगा हुआ है, तो आपको ये सुनकर हैरत होगी कि यहाँ पर हर किस्म की वैरायटी मौजूद है और वो भी इंतहाई कम कीमत पर। तो चले चलते हैं, जाके देखते हैं वहाँ पे क्या सीन चल रहा है। और मेरी जितनी भी वीडियोस आप देखेंगे और जितनी भी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो टोटली वीडियो मेरी मलेशिया से रिलेटेड होंगी। मैं मलेशियन पीपल्स, मलेशियन फूड और मलेशियन प्लेसेस को कवर करूंगा और उसकी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा। इन्हीं आई एम नंबर पर आई एम गोरी। यहाँ पे ये मलेशियन फूड है भाई। इन्हीं नंबर पर अपम बली लगी सेटल लिया मार्केट। भाई इन्हीं नंबर पर तरी पाव किसी में चलो मे आज की चिकन के छोटे छोटे पीस को ये स्टिक के ऊपर लगा कर उसका बारबेक्यू बनाते हैं। तो यहाँ पे ये सटे बन रहे हैं। बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, मुझे लगता है कोई यखनी या कोई सूप बना रहे हैं। ये भी एक स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे नगट वगैरह फिश बॉल सॉसेजेस वगैरह का ये स्टॉल है। यहाँ पे भी काफ़ी रश लग रहा है मुझे। ये जी कोयल फ्राई, ये भी चिकन के छोटे छोटे से पीस हैं, इनको सटे बोलते हैं। इनका भी एक स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे। इन सट्टों को इसके ऊपर बारबेक्यू बनाया जाता है इनका। इस तरह इनको पैक किया जाता है प्लास्टिक में। और ये भी बहुत टेस्ट में आला होते हैं जी। इस स्टॉल पे एक शॉर्मे का सेटअप है। यहाँ पर ये शॉर्मा बना बना कर सेल कर रहे हैं। अरे नाम आपका नसी आया मुक्कन साहब मक्कन साहब तैयार सच्चा वहाँ।
यह जी यहाँ की फेमस डिश है लक्सा, तो ये यहाँ का फेमस फूड है, इसको इसमें बनाया जाता है और इस तरह इसकी पैकिंग करके इसको बेचा जाता है। तो ये एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है इन्होंने। क्या जी रोटी नाम आप? रोटी बोम। इन बच्चा हम रोटी चेन्नई के कभी नहीं कंपूर सीखी है जय बारू नंपा। यहाँ पे ये फ्राइड चिकन का एक स्टॉल है। कितनी खूबसूरती के साथ आलू की कटाई की हुई है। बस 1 किलो रापा पा? बाकी 2 किलो 10, 1 किलो आदम। 2 किलो 10 देंगे? बुरा बुरा। अरे भाई रसा बुरा। लो। ये रसा। ओके ओके थैंक यू। बागे 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 बागे। यूट्यूबर यूट्यूबर। ओ गाड़ी यूट्यूबर के रिप्लाई किया। बोले बोले। अगर बुको 2 किलो बुको 2 किलो। हेलो हेलो। डी एन मोड ये मंगेश फ्रूट है। आज जो मैं चीज़ खाने वाला हूँ वो इनका ट्रेडिशनल फूड है ये वाला। तो अभी ये मैं ट्राई करने वाला हूँ। मैंने वो उससे पूछा, वो कह रहे हैं कि सब जितने भी बनते हैं वो कोकोनट जूस से बनते हैं और कोकोनट मिल्क के साथ बनाए जाते हैं। अभी मैं ट्राई करता हूँ फिर आपको बताता हूँ ये कैसे हैं और टेस्ट में कैसे हैं। ज़्यादा बहुत टेस्टी है, जायके में भी अच्छे हैं और देखने में पूरा जूस लग रहे हैं, बहुत यम्मी है। उसके साथ ही स्मार्ट वाट को दे इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।